Namaste, I am Sonali Dutt, Project Manager, Women for India. I am privileged to speak to Mrs. Indu Batra, Principal, SDMC School. To mark the 150th birth anniversary of Mahatma Gandhi, we are here to have a no plastic drive. Ma'am, what are your views? You know, it's said that children are the future of our planet and of our nation. How can we shape their thoughts to make them environment friendly and to support plastic behavior, free behavior from their side? Thank you. And I'm very lucky that today we are here to discuss about the plastic. What is plastic? Plastic आज की डेट का अभिशाप. तो हम लोग अपने बच्चों को sensitize करना. जो बच्चे मेरे पास आते हैं वो 3 years to 10 years के बच्चे हैं and they are coming from the colony जहाँ plastic waste इतना generate होता है कि आप imagine ही नहीं कर सकते. ये काम हम लोग slums में Andrews Ganj and I was working in लाजपत नगर. People used to stay in slums of पदरासी के. जब मैं उनके यहाँ विजिट करती हूँ सब्स में तो मैं देखती हूँ कि बच्चों के पास इतना प्लास्टिक का ढेर है. अगर हम लैंडफिल तक ले जाएं तो शायद एक और लैंडफिल खड़ा कर सकते हैं. तो मैंने यहाँ पे चेंज लाने के लिए उनको चेंज मेकर बनाया. उनको बोला कि आप चेंज मेकर हो, कैसे करेंगे. एंड चिल्ड्रन एंड वुमन ने द न्यू आइडियाज. हम लोगों ने क्या किया कि प्लास्टिक की बॉटल, जो खाली पेप्सी की बॉटल उनकी मम्मी जहाँ भी काम करके लेके आती है, उनको बोला सिर्फ पन्नियों से भरो. जो भी रैपर मिलता है उसको भरते जाओ और उसको इतना हार्ड कर दो कि वो टूटे ना. So we are using it as a plastic bricks because we cannot abolish plastic, but we can recycle it, upcycle it. उन्हीं से हम लोगों ने planters बनवाए हैं, उन्हीं से उनके flower pots बनाए हैं, pencil stands बनवाए हैं और उनको बोला कि हर घर में जितना भी plastic आपके घर में है उसको आप स्कूल तक लाइए. एटलीस्ट वो ड्रेन्स में ना जाए, वो चोक ना करे और उनको उनके इलाके में जो गायें बैल रहते हैं उनको सेंसिटाइज करें कि अगर आपको मिलता है ऐसा ग्रीन वेस्ट जो प्लास्टिक की थैली में है, फिर भी आप इसको बाहर निकाल दो, प्लास्टिक की थैली को अलग कर दो. तो ये जानवर जो खाते हैं और उसी की वजह से वो चोक हो जाते हैं, मरते हैं. अब बच्चों के पास इतने न्यू न्यू आइडियाज हैं कि मैम हम कैसे कर सकते हैं. उन्होंने अपनी पुरानी टी शर्ट से बैग बना, उन्होंने अपने पुरानी जीन्स को फाड़ फाड़ के छोटे छोटे पाउचेज बना लिए कि हम इसको पेंसिल पाउच बनाएंगे. So we have to sensitize the children. They are the change maker. We can change the whole society. कि अगर मैंने अभी जो मैं सुबह बात कर रही थी, मैंने यही कहा था कि अगर हमारे बच्चे जो पब्लिक स्कूल में भी पढ़ते हैं, अगर वो अपने घर में जो काम कर रही हैं आंटी वो स्कूल बताएंगे, वो अपने घर में जाके बताएगी, अपनी लोकेलिटी में बताएगी, तो इस तरह से मैसेज को स्प्रेड करें. हम लोग स्लोगन बोल सकते हैं, हम लोग शाउट कर सकते हैं, पर हमें चेंज लाना है. और चेंज लाने वाले कौन हैं? ये बच्चे हैं. तो यही हमारी सोसाइटी की हमारे माउथ. हम लोग घर घर नहीं जा पाएंगे, पर ये आपने क्या एक बच्चे को बोला कि तुमने 5 घर में बताया, तो 5-5 घर करते करते पूरी लोकेलिटी कवर हो जाएगी. और इस तरह से अगर आप थोड़ा भी कम कर पाएंगे, मैं कहती हूँ 0 से हम 1 पे भी मूव कर पाएंगे, 1 से 2 पे भी मूव कर पाएंगे, बेबी स्टेप्स हम लोग. तो आज मेरे स्कूल में भी बच्चों ने सचिन को ये पेच लिया. मॉर्निंग में हम लोग स्कूल में थे कि हम लोग प्लास्टिक को यूज़ नहीं करेंगे और इसको कैसे रोकेंगे, प्लास्टिक की बॉटल में पानी लाते हैं, अब क्या करेंगे, कैसे करेंगे अब. तो मैंने यही बोला कि हम स्कूल में स्टील के ग्लासेस रखेंगे, हर बच्चा वाटर कूलर से स्टील के ग्लास में पानी, तो उनको प्लास्टिक की बॉटल नहीं लानी है, उनको स्कूल से ग्लास मिलेगा. अब ग्लास धोने की जिम्मेवारी किसी, तो उसमें भी क्लास में प्रीफिक्स बना देंगे कि वो बच्चों का हर रोज की ड्यूटी रहेगी कि किस तरह से हमने उनको स्टील के ग्लासेस को साफ. तो इस तरह से प्लास्टिक की बॉटल, जो पेप्सी की बॉटल में ये बच्चे पानी लाते हैं, एटलीस्ट वो हम रोक पाएंगे. इसी तरह उनको मैंने बैग्स के लिए बोला कि आपके पास नहीं है कुछ भी खाना लाना, डिब्बे में लाना, स्टील के डिब्बा यूज़ करो, प्लास्टिक का डिब्बा तो यूज़ ही नहीं करना. नहीं है कोई बात नहीं, मैं यहाँ स्टील की प्लेट और चम्मच रखूँगी, आप यहाँ से स्कूल से लो, वॉश करके वापस रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. अगर आप नहीं खरीद सकते कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम स्कूल से आपको प्रोवाइड करेंगे, बस आपकी जिम्मेवारी इतनी है कि आप उसको यूज़ करो, वापस रखो. प्लास्टिक का टिफिन बॉक्स बैन हो, प्लास्टिक का पेंसिल बॉक्स बैन हो जाएगा, प्लास्टिक की बॉटल पानी के लिए बैन हो जाएगी. तो धीरे 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 शायद हम इसको एबॉलिश कर पाएंगे. लेकिन मैंने उन्हें अभी सुबह भी मैंने बताया कि हम इसे ख़त्म नहीं कर सकते, डंप नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हम खाद नहीं बना सकते. हमारे बच्चों को पता है खाद कैसे बनती है, तो हम इसको खाद ही बना सकते. मैंने अपने पुराने स्कूल में क्या अच्छा रखा है, एक कंपोजिट पिट बनाया और एक प्लास्टिक पिट बनाया, उसमें हमने हरे पत्ते डाले. 1 महीने के बाद देखा हरे पत्ते तो गलने लगे, लेकिन प्लास्टिक की पन्नियाँ तो वैसे ही वैसी हैं. तो ये लाइव एग्जाम्पल हमें सेट करना है बच्चों को समझाने के लिए कि देखो ये प्लास्टिक में तो चेंज नहीं आया ना, और ये आगे 10,000 साल तक भी नहीं चेंज आएगा. तो एटलीस्ट हम में से हर कोई अगर रोज एक पन्नी भी इसमें डालता जाएगा उसको फिर बॉटल में फिल करके हम बॉटल की ब्रिक्स बनाते जाएंगे, तो हम लोग कितनी सारी ब्रिक्स बना सकते हैं. हम पॉट्स बना सकते हैं, हमने बाउंड्री वॉल बनवानी शुरू की है, गार्डन की बाउंड्री वॉल बना, कलरफुल बॉटल्स है, कलरफुल कैप्स है, कलर का कॉन्सेप्ट बच्चों को बताना है,
वहाँ से बताओ काउंटिंग करानी है उसको टीचिंग एड बना लो, उससे कुछ भी आप बना सकते हैं। तो इसलिए उसको अपसाइकिल करना, रिसाइकिल करना, एबॉलिश तो हम करी है, वी हैव टू एक्सेप्ट दिस फैक्ट दैट इफ वी विल थिंक न्यू आइडिया दे विल टेल अस 1000, इफ आई विल गिव देम 1 दे विल गिव मी 10, सो वी आर टेलिंग देम दैट यू आर द चेंज मेकर, यू आर आवर सोसाइटी, आप ही हो जो हो, तो इफ वी आर प्लेसिंग देम अंडर दैट स्टेज आप चेंज मेकर हो, उससे कॉन्फिडेंस गेन करते हैं। घर में शायद उनको इतना प्रिविलेज नहीं है वो बच्चे की उनको घर में कोई अप्रिशिएट नहीं है, अगर हम स्कूल में उनको अप्रिशिएट करते हैं तो डेफिनेटली उनका कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो रहा है और दे विल जनरेट सो मैनी आइडियाज कि वी विल चेंज द सोसाइटी बाय नेक्स्ट ईयर। आई थिंक माई स्कूल विल बी प्लास्टिक फ्री। अमेजिंग मैम, थैंक यू फॉर टेलिंग द ट्रू मीनिंग ऑफ इनोवेशन। सच में जो आपका स्कूल कर रहा है वो बहुत सराहनीय है और अगर सब स्कूल्स ऐसे ही चलते रहे तो इंडिया बहुत जल्दी जीरो प्लास्टिक इकोनॉमी हो जाएगा। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच।